Myself, Dr. Sanyogita Sharma. Today we will discuss remaining part of pharmacokinetics. Next, we will discuss excretion and elimination. एक बार जब हम ड्रग ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है बाहर निकालने के लिए, जैसे यूरिन के थ्रू करते हैं या एक्सहेल्ड एयर, जो हम सांस लेते हैं तो वापस CO2 के साथ कुछ जो वोलेटाइल मैटर है वो निकाल दिए जाते हैं। इसी तरह से फेसेस यानी कि स्टूल के थ्रू निकाले जाते हैं। इसी तरह से कुछ जो ड्रग्स होती है वो सलाइवा के थ्रू या स्वेट यानी पसीने के थ्रू भी निकलती है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूरिन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू किडनी इन द यूरिन। बहुत सारी ड्रग जो होती है किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में निकाल दी जाती है। नेक्स्ट इज द फेसेस। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइल के अंदर मिलके और उसको स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर जैसे गैसेज एंड वॉलेटाइल लिक्विड्स सच एज एल्कोहल्स, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड पैराल्डिहाइड्स आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स। कुछ जो जनरल वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जैसे एल्कोहल्स और ये जो होते हैं लंग्स के द्वारा एक्सहेल कर दिए जाते हैं। लंग्स ऑल्सो हेल्प टू ट्रैप द एक्सक्लूड एनी पार्टिकल मैटर विच आर इंजेक्टेड इंट्रावीनस। इंट्रावीनस के द्वारा जो भी पार्टिकल्स, जो भी ड्रग हमने ली है उसको भी हम कितनी बार लंग्स के द्वारा या कि एक्सहेल्ड एयर के द्वारा यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सलाइवा एंड स्वेट। सलाइवा एंड स्वेट कितनी बार हम कहते हैं कि दवाई लेने के बाद हमारा मुंह कड़वा हो जाता है और जो पेशेंट दवाई लेता है उसके पसीने से भी कितनी बार बदबू आती है। तो ये तो एक पाथ है उसको एक्सक्रीट करने का। इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेट एंड सलाइवा इज नेग्लिजिबल। हाउ एवर पोटेशियम आयोडाइड लिथियम हैवी मेटल्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू दिस मेथड। फिर भी कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जैसे पोटेशियम आयोडाइड और ये भी क्या है इस मेथड के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। नेक्स्ट इज द मिल्क। मिल्क यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो मदर होती है जो कि अपने बच्चे को फीड कराती है, तो मदर ने अगर कोई ड्रग ली है तो वो बच्चे तक भी पहुंच जाती है थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंटर इन ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन। और इस तरह का डिफ्यूजन जो होता है वो पैसिव डिफ्यूजन होता है, सच एज मोर लिपिड सोल्यूबल एंड लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती है। इसमें जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो क्या करती है, इजिली ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा आराम से बेबी तक पहुंच जाती है। हाउ एवर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज रिसीव्ड बाय सकिंग इन्फेंट। और इसी तरह से जब बेबी जो है मिल्क लेता है उस वक्त क्या है उसकी बॉडी में जो है ड्रग चली जाती है। नेक्स्ट इज द रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन मीन्स ऑल वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। जो भी ड्रग वाटर सोल्यूबल होती है वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दी यानी कि निकाल दी जाती है बाहर, बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट कर दी जाती है। ग्लोमेलुलर फिल्ट्रेशन। इन द कैपिलरी ऑफ ग्लोमेलस लार्ज पोर्स आर फाउंड विच आर एबल टू फिल्टर ऑल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। इन रीनल फेल्योर, अगर रीनल फेल्योर हो जाता है और आफ्टर द एज ऑफ 50 यानी कि 50 साल के बाद जो है फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली और फिल्ट्रेशन रेट जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन लिपिड सोल्यूबिलिटी एंड आयनाइजेशन ऑफ ड्रग एट द यूरिन pH। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है कि ड्रग की लिपिड सोल्यूबिलिटी, लिपिड में सोल्यूबिलिटी कितनी है और उसका आयनाइजेशन कितना है, जो पर्टिकुलर यूरिन का pH है उसमें उसका आयनाइजेशन कितना होगा। इफ चेंज ऑफ pH अकर इट अफेक्ट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द फॉलोइंग वे। अगर यूरिन का pH जो है वो चेंज होगा तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होगा उससे। फर्स्ट जैसे हम डिस्कस करते हैं, वीक एसिड आयनाइज मोर एंड लेस रीअब्जॉर्ब इन एल्कलाइन यूरिन। वीक एसिड जो होते हैं वह मोर आयनाइज हो जाते हैं और उसका रीअब्जॉर्प्शन जो होता है एल्कलाइन यूरिन में लेस होता है। इसी तरह से वीक बेस आयनाइज मोर, वीक बेस जो होते हैं वो मोर आयनाइज होंगे और लेस रीअब्जॉर्प्शन इन एसिडिक पी, एसिडिक यूरिन जो होता है उसमें उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वह लेस होता है। नेक्स्ट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मीन्स दिस इज द एक्टिव ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल नॉन डेवलप्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेल नॉन मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज द फार्मेकोकाइनेटिक्स
फार्माकोकाइनेटिक्स इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस. ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या रोल है? टू यूज अ ड्रग फॉर लॉन्गर टाइम. इट इज़ जनरली एडवांटेजेस टू मॉडिफाई अ ड्रग बाय फॉलोइंग मैनर. कोई भी ड्रग को हम लंबे समय तक ले सकें, ड्रग को ऐसी डिजाइन करनी चाहिए हमको. इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज रिड्यूस्ड, इट मे बी यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर हम ड्रग की लेने की फ्रिक्वेंसी अगर कम रखेंगे तो उसको उसके इफेक्ट को ज़्यादा लंबे समय तक इफेक्टिव रह सकता है. सेकेंड इज It is better to use a contraceptive monthly or quarterly rather than be taken daily. जो contraceptive होती है वो या तो उसको monthly use करना चाहिए या quarterly use करना चाहिए, रोज use नहीं करना चाहिए. A single morning dose is likely to be forgotten than 6 to 8 hour regimen. Next, drug effect could be maintained overnight without disturbing sleep. Drug का effect पूरी night तक मेंटेन रहना चाहिए हमारी बॉडी में और उससे किसी भी तरह का स्लीप में यानी कि नींद में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. ऐसी ड्रग डिजाइन करनी चाहिए. लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आर अवॉइडेड. द प्रोसेस विच आर यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग अ ड्रग एंड इट्स एक्शन आर गिवन एज फॉलो. तो जो प्रोसेस है किसको डेवलप ड्रग डेवलप का प्रोसेस है वो है, नीचे हम इस तरह से देखेंगे एज फॉलोज. फर्स्ट है बाय प्रोलोंगिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो फर्स्ट इसका ओरल. ड्रग पार्टिकल्स आर कोटेड विथ रेजिन्स प्लास्टिक मटेरियल्स विच डिस्पर्स रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. यानी कि हम देखते हैं जो हम कैप्सूल्स लेते हैं, जो कैप्सूल लेते हैं उसको क्या है, ड्रग तो उसके अंदर होती है पाउडर फॉर्म में, लेकिन उसके ऊपर क्या है, प्रोटीन की कवरिंग होती है. अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द टेबलेट और कैप्सूल. और इसी तरह से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है कैप्सूल या किसी ड्रग को रिलीज करने के लिए. दिस टेक्निक में प्रोलोंग द एक्शन बाय 4 to 6 hours एंड नॉट बियॉन्ड दिस टाइम बिकॉज दैट टाइम ड्रग पार्टिकल्स रीचेज इन द कोलोन. और इस तरह से हम ड्रग के एक्शन को जो है इस टेक्निक के द्वारा प्रोलोंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पेरेंटरल. द सब्सटेंस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग इज इनसॉल्युबल फॉर्म और ऑयली सॉल्यूशन पैलेट्स इम्प्लांटेशन एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट में डेवलप अ ड्रग एक्शन. Transdermal drug delivery. The drug which is used as ointment in adhesive patches or strip applied on skin is becoming popular. कुछ ड्रग ऐसी भी बनानी चाहिए जो कि ointment के द्वारा दी जा सकती है या फिर उसके patches लगा दिए जाते हैं body से, यानी कि skin के through absorption होता है. Next is by increasing plasma protein binding. डेवलपमेंट ऑफ ड्रग हैज़ बीन मेड बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. इस तरह के ड्रग का डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से उसकी बाइंडिंग जो है वह इंक्रीज हो जाए, विच मे बी स्लोली रिलीज इन द फ्री एक्टिव फॉर्म. और इस तरह से वह धीरे धीरे हमारी बॉडी में अगर बाइंडिंग इफेक्टिव हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन में तो उसका रिलीज जो है वह धीरे धीरे होगा और इस तरह से काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट रहेगा. बाय रिटार्डिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. सम स्मॉलर मॉडिफिकेशंस may affect the rate of metabolism without acting the biological action such as addition of ethanol group in esternoidal make it longer acting and suitable for the oral contraceptive. Last is the by retarding renal excretion. The tubular secretion of drug being an active process which can be reduced by computing substance for instance प्रोलोंग टाइम ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन. इसमें क्या करते हैं कि रिटार्ड कर दिया जाता है कि रीनल में ट्यूबुलर के द्वारा वापस उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से उसके एक्सक्रीशन प्रोसेस को हम रिटार्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फार्मेको डायनेमिक्स. अभी तक हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा है. इससे पहले वाले लेक्चर में भी फार्माकोकाइनेटिक्स था और सेकेंड पार्ट था हमारा फार्माको डायनेमिक्स. अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट
अटेम्प्ट्स टू इलुसिडेट द कंप्लीट एक्शन ऑफ कंप्लीट इफेक्ट ऑफ एक्शन, यानी कि इसमें हम पूरी ड्रग का कंप्लीट एक्शन हमारी बॉडी में किस तरह से हुआ उसका स्टडी करेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे हम ड्रग एक्शन. ड्रग्स कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ ए सिस्टम. ड्रग क्या करती है, जो हमारी बॉडी में ऑनगोइंग एक्टिविटी हो रही है किसी भी सिस्टम की, जैसे ब्रीदिंग हो रही है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है या किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है या हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उनमें ऑनगोइंग एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको क्या करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है. एक्सेप्ट जीन बेस्ड ड्रग, जो जीन बेस्ड ड्रग होती है वह यह काम नहीं करती. ड्रग डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन टू एनी सेल, किसी भी सेल को नए फंक्शन में चेंज नहीं करती. फर्स्ट हम पढ़ेंगे द ड्रग एक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट है स्टिमुलेशन. देयर आर सम ड्रग्स विच कैन स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. कुछ ड्रग्स जो है पर्टिकुलर एक्टिव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. जैसे पाइलोकॉर्पिन स्टिमुलेट सेलेवरी ग्लैंड्स एंड एड्रिनलिन स्टिमुलेट हार्ट. पाइलोकॉर्पिन जो होती है वो सलेवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और एड्रिनलिन जो होती है वो स्टिमुलेट करती है हार्ट को. समटाइम एक्सेसिव एनहेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी मे कॉज डिप्रेशन ऑफ द फंक्शन. कितनी बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव एनहेंसमेंट हो जाता है अगर एक्टिविटी, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर ऑर्गन का डिप्रेशन, उसके फंक्शन को डिप्रेस कर देती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिप्रेशन. सम ड्रग्स सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन. पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है, सप्रेस यानी कि कम कर देती है. फॉर एग्जाम्पल क्विनिडिन डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड बारबिट्यूरेट डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्विनिडिन जो होती है वह हार्ट की एक्टिविटी को डिप्रेस करती है यानी कि कम करती है, और इसी तरह से बारबिट्यूरेट जो ड्रग होती है वह डिप्रेस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि CNS की एक्टिविटी को बारबिट्यूरेट जो है वह डिप्रेस करता है. अ फ्यू ड्रग स्टिमुलेट वन टाइप ऑफ ऑर्गन वेयर एज डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अदर. नेक्स्ट इज इरिटेशन. दिस इज नॉक्शियस इफेक्ट एंड पर्टिकुलरली अप्लाइड टू लेस स्पेशलाइज सेल सच एज एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. स्ट्रॉन्ग इरिटेशन बाय ड्रग में कोज इन्फ्लेमेशन. कितनी बार क्या होता है, हम ड्रग लेते हैं तो उसके बाद हमको इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, इचिंग भी चलने लगती है. तो ये नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मीन्स द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स और हॉर्मोन्स इन डेफिशियंसी स्टेट. कितनी बार क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर नेचुरल मेटाबोलाइट्स की कमी हो जाती है या हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं. जैसे इंसुलिन इन डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है. आयरन इन एनीमिया, अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिक पर्सन को हम आयरन सब्स्टिट्यूएंट्स देते हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द साइटोटॉक्सिक एक्शन. साइटोटॉक्सिक एक्शन मीन्स विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिन एक्शन ऑफ पैरासाइट्स और कैंसर सेल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड कैंसरस. तो कुछ ड्रग्स जो ऐसी होती है जिसको लेने पे होस्ट सेल को कोई इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन ये साइटोटॉक्सिन एक्शन शो करती है, जैसे कैंसरस सेल होती है तो उसको डैमेज करती है, उसको किल करती है. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. अब जो ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, तो ड्रग एक्शन मैकेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज फिजिकल एक्शन. मास ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो कैपेसिटी एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एक्शन. नेक्स्ट इज केमिकल एक्शन. द ड्रग्स रिएक्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली अकॉर्डिंग टू द सिंपल केमिकल इक्वेशंस. नेक्स्ट थ्रू एंजाइम्स. एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन.
जो ड्रग हम लेते हैं वो कितनी बार क्या एंजाइमेटिक एक्शन को कितनी बार इंक्रीज कर देती है और समटाइम्स वह डिक्रीज भी कर देती है। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम स्टिमुलेशन। एंजाइम स्टिमुलेशन मीन्स जो हमारे बॉडी में एंजाइम है वो ड्रग लेने पे किस तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। ड्रग्स आर ट्रूली फॉरेन सब्सटेंस। जो ड्रग हम लेते हैं वह फॉरेन सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम बाय ड्रग इज अनयूजुअल। द एंडोजीनस मीडिएटर्स एंड मॉड्यूलेटर्स स्टिमुलेट द एंजाइम्स। जो एंडोजीनस मीडिएटर्स होते हैं और मॉड्यूलेटर्स वो होते हैं वो एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। मैनी ड्रग इंड्यूस द माइक्रोसोमल एंजाइम। कुछ बहुत सारी ड्रग जो होती है माइक्रोसोमल एंजाइम को स्टिमुलेट करती है, इंड्यूस करती है। एंजाइम पेनिसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द मॉल्ड एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय मेथिसिलिन। मैनी इंसेक्टिसाइड कार्सिनोजेंस एंड ड्रग इंसेक्ट विद DNA एंड इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन्स पर्टिकुलरली ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंड साइटोक्रोम P450। ड्रग इट्सेल्फ विच इंड्यूस द एंजाइम अंडरगोज एंड इंक्रीज इन मेटाबोलिज्म रेट। नेक्स्ट इज पॉसिबल यूज ऑफ एंजाइम इंडक्शन। द यूज ऑफ एंजाइम इंडक्शन आर इन लीवर डिजीज, क्रॉनिक पॉइजनिंग, क्रशिंग सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल एंड नॉन हिमोलाइटिक जॉन्डिस। इनमें एंजाइमेटिक इंडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन यानी कि एंजाइमिक एक्टिविटी को रोकना, इनहिबिट करना। एंजाइम्स आर इनहिबिटेड जनरली बाय ड्रग्स। इनहिबिटेड इन टू टाइप्स। दो तरह से एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन एंड सेकंड इज स्पेसिफिक इनहिबिशन। नॉन स्पेसिफिक इनहिबिशन में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हैवी मेटल्स, सॉल्ट, फिनॉल्स, एल्कोहल्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स एंड एल्कली इनहिबिट एंजाइम नॉन स्पेसिफिकली। सो फिनॉल्स, एल्कोहल्स ये जो होते हैं एंजाइम्स को कोई स्पेसिफिक मेथड से इनहिबिट नहीं करते हैं। द केमिकल्स एंड ड्रग्स चेंज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ये जो केमिकल या ड्रग जो होते हैं वो एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं एंड डी नेचर देयर प्रोटीन पोर्शन एंड दस इनहिबिट देम। और इस तरह से उसके प्रोटीन के पोर्शन को डी नेचर कर देते हैं यानी कि ख़त्म कर देते हैं। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डी नेचर किया जाता है और इस तरह से वह एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक इनहिबिशन। स्पेसिफिक इनहिबिशन में हम ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ड्रग है वो एंजाइम के पर्टिकुलर पार्ट पे एक्टिव उस पर इफेक्ट करेगी और इस तरह से वह इसको स्पेसिफिकली इनहिबिट करेगी। मैनी ड्रग्स इनहिबिट स्पेसिफिक एंजाइम विदाउट अफेक्टिंग अदर। दूसरे पार्ट को इनहिबिट नहीं करके पर्टिकुलर पार्ट को करेगी। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या इन दिस टाइप द ड्रग्स कॉम्पीट्स विद द नॉर्मल सबस्ट्रेट एंड और को एंजाइम टू गेट अ न्यू इक्विलिब्रियम। इस तरह इसमें क्या होता है ड्रग्स जो होती है वो कॉम्पीट करती है उसके को एंजाइम के साथ और एक नया इक्विलिब्रियम सेट करती है। दिस इनहिबिटर्स इंक्रीज द KM वैल्यू बट Vmax remains unchanged। इसमें Vmax जो होता है वह एज इट इज रहता है। मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि Vmax क्या होता है और KM क्या होता है। इन दिस एंजाइम इनहिबिशन अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड। इस तरह के एंजाइम इनहिबिशन में सबस्ट्रेट की हायर कंसेंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है बट इफ द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज इंक्रीज सफिशियंटली इट कैन डिस्प्लेस द ड्रग एंड सम मैक्सिमल रिएक्टिविटी वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेंड। एग्जाम्पल है इसके फॉर एग्जाम्पल कार्बिडोपा एंड मिथाइलोडोपा कंपीट विथ लेवोडोपा फॉर डोपा डेकोक्सिरेज। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर्स रिएक्ट विद द एडजेसेंट साइट बट नॉट विद द कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसमें इनहिबिटर जो होते हैं रिएक्ट विद एडजेसेंट साइट उसकी एडजेसेंट साइट से रिएक्ट करता है
बट नॉट विद द कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम. एंजाइम की कैटालिटिक साइट से अफेक्ट उसको रिएक्ट नहीं करता है. इनहिबिटर्स ऑल्सो चेंज द एंजाइम इन सच अ वे दैट इट लूजेज इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी. और इस तरह से रिएक्ट करता है कि एंजाइम जो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, खो देता है. इन सच टाइप ऑफ इनहिबिशन केएम रिमेन्स अनचेंज. इसमें क्या होता है, केएम की वैल्यू जो होती है वह अनचेंज होती है वाइल वी मैक्स इज रिड्यूस. वी मैक्स जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है. एस्प्रिन एक्ट एज एंजाइम साइक्लो ऑक्सीजिनेस विद एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंड डाइगोसिन विद सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएस एक्सेट्रा. थैंक यू. अबव मैटर इज टेकन फ्रॉम बुक मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय अलका एल गुप्ता एंड प्रगति एडिशन. And this is the cover page of book. Thank you very much.